वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह 21वीं सदी नवी सोच पुस्तक एक निवेकली विचारधारा वाले लेखा दा सुमेल है। मैं आओ बनिए गुरसिख प्यारा दी टीम अते डॉक्टर सरदार हरजिंदर सिंह जी नूं बहुत बहुत वधाई देंदी हां जिन्हां ने इस निवेकली विचारधारा नूं पुस्तक राही साडे तक पहुंचाया है। अते मैं आप सब नूं भी ए पुस्तक जरूर पढ़न लई बेनती करदी हां क्योंकि इस नवी सदी विच नवी सोच नाल असीं अपने बच्चां नूं सिक्खी नाल जोड़ सकदे हां अते आप भी अपने परम भुलेखे अते अज्ञानता नूं दूर कर सकदे हां। इस पुस्तक विच कई लेखन जिवें 21वीं सदी विच गुरमत प्रचार दे निवेकले ढंग, सिमरन की है, अकली की चैतान, जो सानू सोचण लई मजबूर कर रहे हन कि असीं जो कर रहे हां सिक्खी दे नाते की ओ गुरमत है या कि ओ सिर्फ ओके कर्म कांड ते नहीं। अज मैं आप जी नाल इस पुस्तक दा एक लेख सांझा कर रही हां। लेख है तीरथ की है। संस्कृत मूल दे तीरथ शब्द दा अर्थ है पाप तो छुटकारा दिवाउण वाला। गुरमत अनुसार ता धर्म दी सिक्ख्या लेण लई इतिहास दी घटनावां नूं जानण लई या कोई सिक्ख्या इतिहास दी कोई सिक्ख्या लैण लई या गुरु साहिबाना दे इतिहास नूं जानण लई तीर्थां ते जाना उत्तम है, लेकिन तीर्थां दा मुक्ति नाल कोई संबंध नहीं। गुरु साहिब ने सच्चा तीरथ रब्बी नाम नूं दस्या है। तीरथ नावण जाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। भाव गुरु दे शब्द नूं विचार मंडल विच टिकाणा ही मेरे वास्ते तीरथ है क्योंकि इस दी बरकत नाल मेरे अंदर परमात्मा नाल डूंगी सांझ बन जांदी है। जदों उस प्रभु नाल सांझ बन गई तां फिर पाप दा डेरा उठ ही गया। पाप किथे रह गए? इस्नान करन नाल मनुख दा सिर्फ तन ही साफ हुंदा है। मन जो शरीर दे अंदर है अति सूक्ष्म है, ओ तन दी सफाई नाल साफ नहीं हुंदा, पाप पवित्र नहीं हुंदा। मन ता अनेका जन्मा तो पापा नाल विकारा नाल मैला होया पया है। गुरबाणी दा फुरमान है, जन्म जन्म की इस मन को मल ला की काला हुआ स्या, खनली तोती उजली ना हो गई जे सो तो वनपा। मन दी मैल है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आशा तृष्णा निंदा चुगली ईर्खा आदि। गुरु नानक साहिब फरमांदे हन, नावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, एक पाव लथी नात्या दुई पाव चढ़ी असोर। पाव जे खोटे मन नाल तीर्था ते नौन तुर भी पए ते शरीर विच काम आदि चोर भी टिके रहे ता नौन नाल साडी बाली मैल ता उतर गई, पर मन विच अहंकार आदि दी दुगनी मैल होर चढ़ गई। भगत कबीर जी आखदे हन, जल के मजन जे गत होवे मेंढुक नित नित नावे, जैसे मेंढुक तैसे ओए नर फिर जोनी आवे। पाव पानी विच चुभी लाया जे मुक्ति मिल सकती होवे ता डड्डू सदा ही नाउंदे हन, जिवे ओ डड्डू हन तिवे ओ मनुख समझो, नाम तो बिना ओ सदा जूना विच पए रहंदे हन। जे किसी दे मन विच विचार आए कि फिर गुरु साहिब ने तीरथ सरोवर बौली अति खूह क्यों बनवाए, गुरु साहिब ने उस वेले दे लोन नु मुख रखते हुए तीरथ सरोवर बौली अति खूह बनवाए जिथे हर जाति मजहब दा इंसान पानी पी सकदा सी अति नहा सकदा सी। ऊंच नीच दा कोई परम नहीं सी अति ना ही कोई महत्व दस्या गया जांदा सी। इस दा मुख मंतव एहो सी कि जात पात दा भेद मिट जावे। भाई गुरदास जी ने भी तीरथ इश्नाना दे परम भुलेखे बारे लिखते हन, बाबा नानक जी तीर्थां ते क्यों गए? क्योंकि उना थावां ते बोते लोकां नूं थोड़े समय विच उपदेश दित्ता जा सकदा सी। लोकां दे उधार वास्ते गुरु साहिब तीर्थां ते गए। अज जरूरत है तीरथ इश्नाना दा परम छड के गुरबाणी रूपी तीरथ विच नहा के मन दी सफाई अते लोकां दी भलाई लई देशां विदेशां शहरां पिंडां विच गुरबाणी पाठ विचार संथिया दे स्कूल रूपी तीरथ सरोवर बनाए जान जिथे कर्म कांडा अते परमा नू गुरबाणी उपदेश विचार रूपी पवित्र जल नाल धोता जा सके। हर एक गुरुद्वारा ही तीरथ है,
जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी रूप जल भरिया पिया है। असी अपने इतिहासिक अस्थाना ते जान दा सिर्फ एही मंतव रखिये कि असी अपने इतिहास नू जानना है अते आउन वाली पनीरी नू भी इतिहास नाल जोड़ के रखना है। पर ऐ अस्थान साडे सैर सपाटे अते सिर्फ शरीरिक इशनाना तक ही ना सीमित रह जा। सानू सारिया नू चाहिदा है कि असी गुरबानी दा सहज पाठ विचार सहित करिये। इस तरह करन नाल साडे कई परम भुलेखे दूर हो जाणगे, साडे ज्ञान विच वाधा भी आएगा अते साडे जीवन विच तब्दीली भी आएगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।